झुंझुनू शहर में कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए वीकेंड कर्फ्यू में भी अपने घर के पास बने गोदाम से सामान बेचते हुए एक व्यापारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही मौके से 4,000 से अधिक विभिन्न ब्रांडों का गुटखा पाउच बरामद किया है। शहर कोतवाल मदन कड़वासरा ने बताया कि 2 दिनों से सूचना मिल रही थी कि अग्रसेन भवन के पास रहने वाले जनता कॉलोनी निवासी शिव कुमार महाजन अपने मकान के पास बने गोदाम से वीकेंड कर्फ्यू होने के बावजूद सामान बेच रहा था, जिस पर कल भी पुलिस गई थी, लेकिन तब तक शिव कुमार महाजन अपना सामान बेचकर जा चुका था। इसके बाद आज सुबह से दुकान पर कोतवाली पुलिस की ने निगाहें बना रखी थी। आज जब शिव कुमार महाजन सामान बेच रहा था तो पहले कोतवाली पुलिस ने सूचना को पुख्ता करने के लिए अपने ही एक सिपाही को बोगस ग्राहक बनाकर भेजा। जब सामान बेचे जाने की पुष्टि हुई तो तुरंत ही कोतवाली पुलिस ने दबिश दी और मौके से शिव कुमार महाजन को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 4,000 से अधिक विभिन्न ब्रांड के गुटखा व पान मसाला पाउच जब्त किया गया है। इसके अलावा महामारी एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है। कोतवाल ने बताया कि चोरी छिपे निर्धारित समय के बाद सामान बेचने वालों के लिए मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर दिया गया है। हाँ सर, ये झुंझुनू स्थित जनता कॉलोनी में शिव कुमार टीबड़ा नाम का व्यक्ति है, जिसके बारे में ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि ये व्यक्ति लॉकडाउन के दौरान गुटखा, बीड़ी, जर्दा, सिगरेट बेच रहा है। शिकायत का सत्यापन करवाया गया तो वीकेंड लॉकडाउन और उसके बावजूद 11 बजे के बाद में ये व्यक्ति अवैध रूप से गुटखा, जर्दा इत्यादि की बिक्री कर रहा था, जिस पर इसके दबिश देके इसके कब्जे से करीब 4,000 पुड़ियाँ अलग अलग ब्रांड की जर्दे गुटखे की बरामद की गई, जो करीब 50 से 60 हज़ार रुपये कीमत की है। और मुलजिम के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है महामारी अधिनियम के तहत, इसको गिरफ्तार किया गया है।